जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के हलका एन ए 119 में, जहाँ पर PMLN की तरफ से मरियम नवाज जबकि इनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार की हैसियत से शहजाद फारूक लड़े हैं। तो यहाँ पे वोटर्स की काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद है और यहाँ पर गहमा गहमी भी जा रही है और लोग जो है बहुत ज़्यादा सरगर्म है वोट अपना कास्ट करने के लिए। तो आइए इनसे चलकर पूछते हैं। मैं समझता हूँ ये जो आज का इलेक्शन है 2024 का, ये हल्का 119 में अपना आवाम ने जो फैसला दे दिया, आपने पोलिंग स्टेशनों के बाहर भी पोलिंग स्टेशन के अंदर भी रश देखा होगा, आवाम का जोगदार जोग लोग आ रहे हैं, जिसको कन्वेंस मिले वो भी आ रहे हैं, कुछ पैदल आ रहे हैं, कुछ अपने कन्वेंस पे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये बड़ा अहम इलेक्शन होने जा रहा है और चना स्कीम UC 162 और ये PP 150 और NA 119 का हल्का है, यहाँ से हमेशा हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही जीती है। 1990 से लेकर आज तक ये जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं, सबसे ज़्यादा लाहौर में लीड इस पोलिंग स्टेशन से होती है और इस UC से होती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की।